सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखिए बड़ी मजे की स्ट्रेटजी, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है क्या, इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने से छोटी छोटी जो कंपनीज हैं उनको या तो उनको मर्जर कर लेती हैं या तो उनकी एक्विजिशन कर लेती हैं। मर्जर मतलब उनके साथ जुड़ जाती हैं, एक्विजिशन का मतलब उनको खरीद लेती हैं। क्यों? अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मैंने आपको बताया नाम मार्केट में एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। अभी ये मर्जर और एक्विजिशन क्या होती है मैं डिटेल में समझाता हूँ। मर्जर का मतलब होता है कि आप दूसरी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उनको साथ में जोड़ लेते हैं। जो कंपटीशन था आपके और उनके दरमियान में, जो कंपेटिटर वाला सीन था, वो खत्म हो जाता है। अभी आप दोनों एक कंपनी बन गई है, पर नाम अलग अलग होता है। उसका नाम अपनी जगह पे, आपका नाम अपनी जगह पे है, उसके ऑनर अपनी जगह पे हैं, आपके ऑनर अपनी जगह पे हैं। जैसे आइडिया ने वोडाफोन के साथ मर्जर कर लिया, जैसे पाकिस्तान में जैज और वारिद ने मर्जर कर लिया। तो जैज क्या थी, बड़ी कंपनी थी, वारिद छोटी कंपनी थी, उन्होंने मर्जर कर लिया। अभी उनके ज्यादा लोग हो गए हैं, उनके मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा हो गया, मार्केट ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया है और प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसको मर्जर कहते हैं। और एक्विजिशन क्या होती है कि एक कंपनी जो है ना किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। तो इसमें जो दूसरी कंपनी को खरीदा उसका नाम खत्म, उसके जो ऑनर है वो खत्म, अभी सिर्फ एक ही कंपनी होगी, उसका एक ही नाम होगा एक्विजिशन में, क्योंकि उसने खरीद लिया, अभी उसका उसके ऊपर हक है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर के वो पुराने वाला नाम ही रहने दे या अपना कोई नया नाम लगा ले, क्योंकि अभी उसने खरीद लिया, उसकी मर्जी। तो ये कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी में या तो मर्जर कर लेती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं छोटी को, या तो एक्विजिशन कर लेती हैं या तो खरीद लेती हैं। और एक और एग्जांपल देता हूँ एक्विजिशन की, जैसे अलीबाबा ने draz.pk पाकिस्तान की साइट है उसको खरीद लिया, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाकर आप चीज़ें खरीद सकते हैं ऑनलाइन। जैसे ओला ने फूड पांडा को खरीद लिया इंडिया में, जैसे इंटेल ने मोबाइल आई को खरीद लिया, जैसे अमेज़न ने होल फूड को खरीद लिया। ये क्या एक्विजिशन है, उनको खरीद लिया। मर्जर में ये होता है कि आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, खरीद नहीं सकते, सिर्फ उनके साथ एग्रीमेंट करके जुड़ जाते हैं, कंपटीशन खत्म। तो ये कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी थी जिसके अंदर जो बड़ी कंपनियां वो या तो छोटी कंपनीज को मर्जर कर लेती हैं या तो एक्विजिशन कर लेती हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।